Welcome or welcome back to my channel. मेरा नाम है हिमानी and I'm back with yet another new video with yet another new location. Yes, you guys must have aware if you are following me on Instagram that मैं कहाँ पर हूँ. Like I am in Himachal Pradesh, my favorite state in इंडिया. एक लॉन्ग ट्रिप के लिए हम पूरी फैमिली साथ में आए हुए हैं एंड आई बुक दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी विच इज इन धर्मशाला हयात रेजेंसी. या इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव बट इट इज वर्थ द प्राइस. या और इससे रिलेटेड मैंने इसे कैसे बुक किया और सारी चीज़ें जो डिटेल है ये मैंने इससे पहले ये वीडियो पोस्ट कर दिया है मेरे चैनल पे. तो इफ़ आपको अगर वो जानना है कि किस तरीके से कितने बजट में मुझे ये पड़ा और क्या क्या अमेनिटीज़ है, क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री इस होटल में मुझे मिला, लाइक सो ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द प्रॉपर्टी, अबाउट द बुकिंग, द कॉस्ट, बजट, एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड ऑन प्रीवियस वीडियो, सो दैट यू कैन चेक आउट. और अगर आपको लिंक चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं छोड़ दूंगी और यहाँ कार्ड पे भी डाल दूंगी, सो आप वो देख सकते हैं. बाय द वे, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको ये पूरा प्रॉपर्टी का टूर देने वाली हूँ. सो इस टूर में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, लाइक इस प्रॉपर्टी में क्या क्या अमेनिटीज है, क्या क्या है, कितनी बड़ी ये प्रॉपर्टी है. सो या एज यू गाइज नो मुझे पहाड़ों से कितना प्यार है, तो मैंने ये कुछ दो रात तीन दिन के लिए बुक किया है. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू प्रॉपर टूर ऑफ दिस property, so yeah, stick around, watch this video till the end, let's go. बिफोर गेटिंग इन टू द अमेनिटीज वाला सेक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री होता है और किस चीज के लिए आपको पे करना होता है. तो सो रिसेप्शन से हमें किसी ने असिस्ट किया एंड फिर उन्होंने हमें पूरी प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि दिस प्रॉपर्टी इज अराउंड 6 acres में ये पूरी प्रॉपर्टी बनी हुई है और यहाँ पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या क्या एक्टिविटीज होती है बिकॉज इट्स इन द माउंटेन. सो डेफिनेटली उन्होंने उसको ध्यान में रख के, शांति पीसफुल वातावरण है तो उसको ध्यान में रख के बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान की है. लाइक सुबह उठ के आप अगर थोड़े फिटनेस फ्रीक हैं तो योगा एंड मेडिटेशन जो है उसका मतलब सेशन होता है जहाँ पर इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो मैंने अटेंड किया था. यस, और बहुत ही शांति, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में आके आपको डेफिनेटली ज़्यादा मन करता है कि आप थोड़ा सा रेजुविनेट करें अपनी बॉडी को, अपने सोल को, और पीसफुल टाइम थोड़ा सा स्पेंड करें खुद के साथ, मी टाइम स्पेंड करें. तो वो जो है वो एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री है. जो लोग भी इस प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हैं वो जाकर आराम से योगा मेडिटेशन सेशन ले सकते हैं. राइट आफ्टर दैट 7 to 9 का योगा मेडिटेशन होता है. राइट 9 to 10 के बीच में हाइकिंग और आपको ट्रैक के लिए लेके जाते हैं. एवरी डे दे प्लान सम डिफरेंट प्लेसेस सो दैट कि वो रिपीट ना हो. पूरा वीक का जो एक कैलेंडर है वो आपके रूम में प्लेस होता है, हमारे रूम में भी है, और वो देख सकते हो आप क्योंकि आपको कहाँ जाना है, वो किस दिन कहाँ लेकर जाएंगे ये आप वहाँ पर देख सकते हो. और एक ट्रैक लीडर होते हैं जो आपको लेकर जाते हैं वॉक के लिए. वहाँ से आने के बाद यू कैन हैव ब्रेकफास्ट जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है. कई लोग स्टे के साथ वो बुक नहीं करते हैं जिनको मे बी ना करना हो ब्रेकफास्ट, बट मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट इज़ द ओनली मील विच आई रियली लाइक एंड आई विल नेवर स्किप दैट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग. बिकॉज एक बार आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो तो पूरा दिन आप फिल रहते हो और आप पूरा दिन आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो. सो दैट्स द लाइक मेरा वो हमेशा से वो लाइक मंत्र रहता है व्हेन एवर आई एम ट्रैवलिंग कि अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लो एंड उसके बाद पूरा दिन एक्सप्लोर करो. लंच और डिनर हमारे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है. अगर आपको वो करवाना है तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, डेफिनेटली वो पे करना होता है. आप रूम डाइनिंग में ऑर्डर कर सकते हो रूम सर्विस और आपके रूम में आ जाएगा जो भी आप ऑर्डर करोगे और आराम से अपने रूम में चिल करते हुए फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो आपका मील. अदरवाइज यू कैन गो टू द रेस्टोरेंट एंड यू कैन हैव योर मील ओवर देयर एज वेल. इसके बाद अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपीरियंसेस की बात करूँ तो देर इज़ पूल, देर इज़ जिम जो कि आप यूज़ कर सकते हो. आपके रूम की जो होती है उसको आपको लेकर जाना है एंड यू कैन एक्सेस टू द पूल एंड जिम एरिया विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री. उसके साथ साथ स्वाना रूम्स भी है इस प्रॉपर्टी में जो कि आप कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ कर सकते हो आफ्टर पूल सेशन, वॉट एवर यू फील लाइक तो आप कर सकते हो. देर इज़ अ स्पा, बट स्पा के लिए डेफिनेटली यू हैव टू बुक क्योंकि स्पा जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, यू हैव टू पे फॉर इट एंड यू कैन टेक फुल बॉडी मसाज
Also, there is a movie hall in this property where you can watch movie with your family, जो कि आज रात को हम देखने जाने वाले हैं. या विच इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री, उनके पास एक लिस्ट ऑफ मूवीज है जो जिसमें से आपको एक मूवी सेलेक्ट कर लो एंड उस टाइम पे आप बुक कर लो पर्टिकुलरली, एंड यू विल वॉच मूवी विद योर फैमिली. दैट टाइम उस थिएटर में, उस हॉल में कोई भी नहीं होगा आपकी फैमिली के अलावा. सो दैट्स अमेजिंग. या दिस इज एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू टुनाइट. अभी मैं थोड़ी देर में कॉल करके पता करने वाली हूँ कि वट आर द मूवीज दे हैव इन द ऑप्शन, एंड या विल डेफिनेटली गो. इट वॉज अमेजिंग. ये अभी मुझे थोड़ा सा काम है वो मैं यहाँ पर फिनिश कर लेती हूँ रूम पे बैठ के. मम्मी पापा जो है वो थोड़ा बाहर जाएंगे क्योंकि उनको थोड़ा ऐसे घूमने के लिए आया है ना. हम तो लाइक मैं तो आते जाते रहती हूँ, पहाड़ों में मेरा बसेरा है तो आपको पता है. तो या तो उनको थोड़ा सा प्लान करके देते हैं, दिल गो आउट. मैं थोड़ा सा काम करूँगी अपना फिनिश. आई एम गोइंग टू टेक मसाज, आई विल गो एंड डिसाइड कौन सा मसाज लूँगी. बट या आई हैव बुकड इन आफ्टरनून, बुकड आफ्टरनून स्लॉट. सो यप, लेट्स गो एंड सी कि कैसा मसाज होता है. आज तक का जो मेरी लाइफ का मतलब अभी तक का बेस्ट मसाज मैंने अभी तक जो लिया है वो मैंने लिया था मेरे बर्थडे पे एक बार लीला एम्बियंस में गुड़गांव. ओह माय गॉड, इट वाज सो गुड. अब देखते हैं उस कंपैरिजन में आज ये वाला कैसा होता है. मतलब अच्छा होता है कि ऐसे होता है, मतलब वो मुझे अभी तक याद है क्योंकि मैं सो गई थी. मतलब इतना अच्छा था वो. सो गुड. या सो आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम अ नाइस अरोमा थेरेपी मसाज. ओ माई गॉड, आई किड यू नॉट, सीरियसली इट वॉज सो गुड. लाइक लिटरली मतलब इतना अच्छा मसाज था. आई टुक 60 मिनट का मसाज विच कॉस्ट मी अराउंड 5,500 रुपीज. आई नो इट इज़ अ लॉट, बट लाइक द एक्सपीरियंस, द होल एक्सपीरियंस वॉज सो गुड. लाइक पहले 10 मिनट्स के लिए मैंने स्टीम बाथ लिया, उसके बाद फिर आई वेंट फॉर मसाज. एंड या इफ यू आर कमिंग विद योर लव वंस, यू वॉन्ट टू टेक कपल मसाज, दे हैव अ रूम फॉर कपल मसाज एज वेल. सो यू बोथ कैन बी इन द सेम रूम एंड यू हैव अ नाइस कपल मसाज. या एंड लिटरली आई कॉन्ट इवन टेल यू हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ. मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को फील हो रहा होगा लाइक हाउ काम माई वॉइस इज़ राइट नाउ. मैं आई, मैंने ग्रीन टी पिया और बस मैं अभी बैठी हुई हूँ जस्ट स्टेयरिंग द व्यू आउटसाइड विच इज़ ओके. एवरीबडी, सो दिस इज़ द लॉन और ओपन एरिया ऑफ दिस प्रॉपर्टी. यू कैन से यू कैन सी अ लॉट ऑफ दिस big giant trees around this property, like all around the property. That's why this makes very nice and very like feel like you are in mountains, definitely. And there's a badminton court, like you can play badminton. Or there's herb garden as well, where they have grown some mint leaves. There's lettuce, there is basil leaf also. Yeah, there's mint leaf, there is lettuce. You can see very nice and fresh. They must have used like use karte honge definitely. There is red lettuce also. Wow, nice. And there's so many herbs. This is I don't know the name of this, but this they use also in something. Achha, this is parsley, sorry. This is parsley. Like everything written here also. This is coriander. Rosemary is also there. Oh wow,
थाइम, ये भी यही रेड लेटर्स चाहिए। हाँ प्लीज। How's dinner? Good. Paneer chili is, chili paneer is really good, no? Hmm. Pulao is also good. ये अच्छा है। तारिका को रूम सर्विस ज़्यादा पसंद है। क्यों? रीज़न बता। जाना नहीं मिलता सर, रेडी होके एंड जस्ट ऐसे रख ना, मेरा सिर ही कट गया। रूम पे मतलब बैठे बैठे आराम से कुछ देखते हो, बात करते हो, खाओ वहाँ पे जाओ तो रेडी होके सोफिस्टिकेटेड टाइप काइंड ऑफ लगता है। मतलब चिल होके खाओ एकदम घर वाले पजामा पहन के। अपने रियल अवतार में। ओके गाइस, सो वी आर हैविंग डिनर विद साउथ इंडियन मूवी। सालन